हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप? मैं यहाँ ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो आज संडे का दिन है, संडे की छुट्टी है। आज बहुत सारे कामों की छुट्टी होती है, बेटे की भी छुट्टी है। पूरा नाइट काम करके अभी सोया हुआ है और बज चुके हैं 10:15 और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। नीचे भी जाके आ गई हूँ मैं और यहाँ आपको दिखा देती हूँ क्या क्या किया हुआ है। तो यहाँ पे सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम हो रहा है। यहाँ पे बना रही हूँ मैं सेफू और मेथी की भाजी, यानी सोया और मेथी। तो इसके लिए ले लिया है मैंने ऑयल। ऑयल में डाल लिया है जीरा और कुछ कुटा हुआ लहसुन, कुछ कटी हुई अदरक और यहाँ पे ढेर सारी बिना तीखी मिर्ची डाली है। तो ये बिना तीखी मिर्ची है, इसमें बहुत तीखी हो तो आप अपने हिसाब से डालें। और यहाँ पे देखिए एक और ट्विस्ट है, यहाँ पे मैंने एक कश्मीरी मिर्च को कट करके डाला है, सूखी ड्राइड मिर्च को, और साथ में डाला है एक बड़ा प्याज। तो गाइस, आप इस सब्जी को ऐसे बनाएं तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और यहाँ देखिए एक आलू बॉईल किया था, बड़ा आलू बॉईल किया था और उस आलू को कट करके पीसेस में साथ ही डाला है नमक, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और उसके बाद डाल रही हूँ मेथी। तो हाँ जी गाइस, इसको आलू, पके हुए आलू को आप डालेंगे तो बहुत ही मज़ा आता है। और आलू को पहले बहुत अच्छे से भूनना है आपको, तो ऑयल में फ्राई हो जाएगा, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा, उसके बाद आप सोया और मेथी डाल सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी सब्जी बन जाती है और सुबह पराठे के साथ बहुत ही मज़ा आ जाता है और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो आजकल विंटर में यही चला हुआ है, हेल्दी हेल्दी सब्जी खाइए, हेल्दी रहिए और बच्चों को भी टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना के दीजिए। आप हरी सब्जियों के बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स बना के खिला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर भी की हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं मेरे वीडियोस। तो हाँ जी, यहाँ पे सब्जी को भून लूँगी। सब्जी देखिए एकदम अच्छा सा लुक आ गया है, आलू पे ग्रीन कलर आ गया है और बहुत अच्छे से भुन गई है। हाँ जी, लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच घी, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने से आपकी सब्जी का स्वाद दुगना तिगना हो जाता है, एक बार ऐसा करके देखें। हाँ जी, तो यहाँ पे सब्जी बन चुकी है आलू सोया मेथी की। ये बहुत ही डिलीशियस सब्जी होती है, आज मैंने शेयर करी है तो आप ज़रूर देखना। और अभी बनाऊंगी पराठा। इधर आलू शिमला मिर्च काट के रखे हुए हैं, पहले भी मैंने दिखा दिए, अभी पराठा बनाना है मुझे। पराठा इसमें शिफ्ट कर दिया, ऐसे करके सब काम कर लूँगी। हाँ तो फ्रेंड्स, लंच जल्दी तैयार करने का वही है कि आज है फाइनल मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। तो आज मैच बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इसलिए मैं सारे काम पहले कर लूँगी, आराम से बैठ के मैच देख लेंगे। और ये साहब आ चुके हैं यहाँ पे और अभी इनको चाहिए आटा, तो आटा भी दे देती हूँ। बहुत दिनों बाद दिखाया है इन लोगों को मैंने, तो इनको ऐसे 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 गोलियाँ चाहिए होती हैं गूंधे हुए आटे की, इनको खुशबू आ जाती है, पता नहीं कि मैंने आटा गूंध लिया है। तो अभी इनको डाल देती हूँ पहले। तो देखिए गाइस, ये कितने प्यार से खाते हैं, बहुत ही प्यार से। दूसरा वेट कर रहा है क्योंकि मैंने अभी डाले नहीं, अभी डाल देती हूँ। तो ऐसे करके गोलियाँ बना लेती हूँ और ऐसे डालते रहती हूँ, ये लोग आके सारे लोग खा लेते हैं एक एक करके। वो कैच करने वाला अभी नहीं आया, वो यहाँ ग्रिल पे बैठ के कैच करता रहता है, वो कभी कभी दो बार भी कैच कर लेता है। ये देखिए, और साथ में कबूतर इन लोगों को भगाते रहते हैं। ये लो, ये सब आ चुके हैं, इनको मैं रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इनका और मेरा अफेयर चला हुआ है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हाँ जी फ्रेंड्स, इस वक्त धूप चढ़ी हुई इधर और ये देखिए साहब जी यहाँ बैठ के खा रहे, ये देखिए कबूतर उसको उड़ा रहा है।
तो फ्रेंड्स सब्जी के बाद फटाफट पराठे बना लेती हूँ। पराठों के साथ ही खाने वाले हैं, यह सीधा लंच जैसा ही हो जाएगा हमारा। और उसके बाद मैच देखने वाली हूँ। तो इस पराठे को ऐसे ही लगा लूँगी ऊपर से, ऐसे बस वो तैयार हो जाएगा खाने के लिए। ये दूसरा भी देख लेते हैं। तो हाँ जी फ्रेंड्स, ये मेरे दो पराठे तैयार हो गए हैं। तो ये ऐसे घी लगाया है वो ऊपर से, और इसमें डालूंगी सब्जी सूखी। थोड़ी सी सब्जी डाली है मैंने, और ये है लस्सी। लस्सी में पानी मिला लेती हूँ, लस्सी में और पानी मिला लेती हूँ। लस्सी जीरा डाल देती हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। ये देखिए नाश्ता मेरा रेडी है, लस्सी पराठा और सोया की सब्जी। भाई साहब सो रहे हैं, मुझे अकेला ही करना पड़ेगा नाश्ता। तो ऐसे ही चलता है मेरी लाइफ में, अकेले अकेले करना पड़ता है सब कुछ, और खाना भी अकेले ही पड़ता है। तो ये अब मैं कर लूँगी नाश्ता, लस्सी न गिर जाए कहीं। तो रखती हूँ यहाँ पे। ये देखिए पियोनियों के फूल लेके आई थी मैं सुबह वॉक पे गई, तो कितने प्यारे हैं। ये मेरा नाश्ता कर लेती हूँ, टीवी बंद है, टीवी स्टार्ट करती हूँ। फैन थोड़ा फास्ट करती हूँ, अभी थोड़ा टीवी देख के खा लूँगी, और फिर सब्जी की तैयारी करूँगी दूसरी वाली की। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कितने सारे फूल लगे थे। कल अपराजिता में इतने ज़्यादा फूल लगे हुए थे, ये देखिए पूरा को पूरा भरा हुआ था। ये देखिए, तो कल मैंने शूट नहीं किया, ये देखिए काफ़ी सारे झड़ भी गए हैं, और एक फली भी आ गई है। देखिए फली को तोड़ देते हैं, अभी फली नहीं चाहिए हमें। ये फली लग जाएगी तो फिर फली कहाँ है कहाँ। तो नीचे बैठ चुकी हूँ मैं दस्तरखान लगा के, और खाना खा लूँगी। पीछे से लाइटिंग की वजह से ऐसे देखेंगे तो ही क्लियर आता है। मैं आपको बताती हूँ कैसा बना है सोए की भाजी, कैसे बनी है। पहले आप खा लीजिए। एकदम मस्त बना, परफेक्ट। आलू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है बॉईल करके बनाएंगे तो। साथ में छाछ का मजा, बढ़िया नाश्ता कर लेती हूँ मैं। तो आलू शिमला मिर्च स्टफ बन रही है। खाना वगैरह बना के आ गए, और मैच की तैयारी देखने के लिए। अब आराम से बैठ कर मैच देखें। तो यहाँ सारा काम हो चुका है किचन में, और थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी जाके अभी, और थोड़ी देर बाद मैच शुरू हो जाएगा, फिर मैच देखेंगे आराम से। हाँ
हाँ जी भाई साहब उठ चुके हैं और नहाने गए हैं। अभी टाइम से उठ गया है कि मैं चालू होने वाला हूँ शावर लेने गया। तो यहाँ पे मैंने बेटे के लिए भी खाना लगा दिया है, उसका लंच लगा दिया है। और खाने में दूसरी सब्ज़ी क्या थी ये आपको बताना है, और इस सब्ज़ी को नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही डिलीशियस होती है सब्ज़ी है। तो आप सेकंड नंबर की सब्ज़ी को बताएं कि वो क्या थी, और इसकी रेसिपी जल्दी ही आपको दे दूँगी। खाने में मैंने एक आलू मेथी की सब्ज़ी, सोया मेथी की सब्ज़ी है, और सेकंड सब्ज़ी कौन सी है, और तीसरा अचार रखा है, और कुकुम्बर रखा है, साथ में रखे हैं पराठे, और मीठे में आज चॉकलेट थी आई थिंक, तो वही रख दी है मैंने। तो वाइट चॉकलेट आई थी जो वही मैंने रख दी है, और उसके बाद अभी देखेंगे मैच, क्योंकि मैंने पहले किया था नाश्ता, यानी कि 11 बजे किया था। तो अभी मैं खा रही हूँ खीरे काट के, और मैच भी देख रहे हैं। मैच अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा मैच का।